दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्रीकाल, गुड मॉर्निंग। सुनिए विपिन की आवाज़ नई मुद्दे और नई बात के साथ। तो दोस्तों मैं अपने चैनल पे जो है आपको हेयर ट्रांसप्लांट से और बिजनेस आइडियाज से जुड़ा हुआ जो है वो आपको वीडियो बनाते हैं और आप लोग को दिखाते हैं। तो दोस्तों इससे पहले मैंने एक मोबाइल शॉप कैसे स्टार्ट किया जाएगा उसके बारे में वीडियो बनाया था, तो कई दोस्तों और कई छोटे भाइयों ने मुझे बोला सर मेरे पास में एक कॉमेंट में आया था कि मेरे पास में पूंजी कम है, 50 से 60 हज़ार रुपये है, तो मैं किस तरीके से बिजनेस स्टार्ट दुकान करूं। तो दोस्तों आप के पास में अगर 50 से 60 हज़ार रुपया है तो आप जो है दुकान ना खोले। कम पूंजी में किस तरह से बिजनेस होता है मैं इसका पूरा डिटेल्स आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों अगर आपने मेरे वीडियो देखने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटा जो है उसको बजा दीजिएगा। तो आपको क्या है मेरा आगे जितना भी वीडियो डाला गया है और जो अभी मैं लेटेस्ट वीडियो डालूंगा उसका सारा नोटिफिकेशन आपको वीडियो में मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास में इन्वेस्टमेंट कम है तो आप मोबाइल एक्सेसरीज का बिजनेस इस तरीके से कर सकते हैं, और अगर आपके पास में टाइम का भी कमी है, अगर आप कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं या कोई सर्विस कर रहे हैं तो पार्ट टाइम इस बिजनेस को कैसे कर सकते हैं, आइए तो मैं बता रहा हूँ। अगर आप ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये बिजनेस में पूरा आपको जानकारी लेना पड़ेगा, तभी ही आप इस लाइन में आ सकते हैं। तो एक्चुअली मोबाइल का एक्सेसरीज का है जो भी मार्केट में बहुत डिमांड है, कारण कि मोबाइल हर आदमी का जरूरत बन गया है, और मोबाइल का जो है बैटरी हो गया, चार्जर हो गया, कवर हो गया, स्क्रीन हो गया, तो इसका और कई तरह का जो पार्ट्स है उसका जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा सेल है। तो इसमें मार्जिन काफ़ी अच्छा है, 10 से 20%, कहीं कहीं पे 30%, कहीं कहीं पे 50% भी मार्जिन है। तो दोस्तों होलसेल में कम से कम 10% से लेके 20% मार्जिन है। तो आपको क्या करना है सबसे पहले, तो सबसे पहले आप जिस भी एरिया में है, जिस भी स्टेट में है, आपको क्या करना है कम से कम 20 से 30 दुकान या 40 दुकान अपने एरिया में विजिट करना है। उनसे विजिट करने के बाद देखिए उनके पास में क्या क्या माल का ऑर्डर है, चार्जर उनको लगता है, बैटरी लगता है उनको, कवर लगता है, और भी बहुत सारा सामान लगता है। तो दोस्तों ये जो है दुकानदार जितने भी हैं वो क्या करते हैं एक महीना में या 20 दिन में मार्केट जा करके अपने दुकान के लिए सामान लाते हैं, एक्सेसरीज लाते हैं। लेकिन इसका क्या है, मेल रखने के लिए, दुकान में मेल रखने के लिए उनको हमेशा चार्जर है, बैटरी है, कवर है, ये जरूरत पड़ते रहता है। तो ये क्या करते हैं वो लोग डेली पैसेंजर से मंगवाता है। तो कई लड़के जो हैं वो क्या है बाज़ार से ले जा करके दुकानदार को माल देता है, माल देने के बाद में क्या है वो माल दुकानदार उससे ले करके बेचता है। तो आपको क्या करना है सबसे पहले आप कम से कम 30 से अपने एरिया में 30 से 40 दुकान को विजिट करें और सबसे जानकारी लें कि क्या क्या माल उनको लगता है, और माल लगने का वो आप जानकारी लेने के बाद में क्या करें आपके एरिया में जो है, जैसे हर डिस्ट्रिक्ट में आपको होलसेल मार्केट मिल जाएगा, हर स्टेट में होलसेल मार्केट मिल जाएगा। जैसे आप अगर आप झारखंड के हैं तो आपको रांची में देखिएगा होलसेल मार्केट मिल जाएगा, अगर आप बंगाल में हैं तो आपको कलकत्ता में खिदीपुर फैंसी मार्केट, अगर आप दिल्ली के हैं तो दिल्ली में भी करोलबाग मार्केट है, अगर आप चेन्नई हैं तो चेन्नई में मार्केट है, अगर बेंगलोर है तो बेंगलोर में भी मार्केट है। तो दोस्त आपको क्या करना है सबसे पहले आपको हुआ कुछ चार्जर उठाना है, 200 पीस चार्जर उठा लिए, ग्लास उठा लिए 200 पीस, उसके बाद कवर है वो 200 पीस 300 पीस मेल का जितना उठा लिए मार्केट से होलसेल रेट में। तो ये आप 40 से 50 हज़ार में आपका एक दुकान में माल देने लायक स्टॉक बन जाएगा। तो आप क्या कीजिए हर दुकान में से जब आप 40-50 दुकान विजिट करेंगे तो आपको करीब 20 दुकान जो है अच्छा मिलेगा, उस 20 दुकान को विजिट करके आप माल देने के लिए जाइएगा। तो आप फर्स्ट बार में आप कोशिश कीजिएगा माल देने के लिए जाने के लिए, तो वो फर्स्ट बार में बहुत सारा दुकानदार है जो आपसे माल लेगा नहीं, कारण कि वो उसको विश्वास आपको जमाना होगा दुकानदार के ऊपर पे। तो आप क्या कीजिए हर दुकानदार के पास हर 2-3 दिन में एक बार जाइए, विजिट कीजिए, तो क्या होगा इस तरह आपसे अगर आप 40 दुकान विजिट किए तो 7 से 8 दुकानदार आपसे माल लेगा। उसके बाद अगर आप रेगुलेटरी रखेंगे तो क्या है फिर विजिट किए आप एक हफ्ते के अंदर में उस दुकानदार को देखिएगा आपको 8 से 10 दुकानदार माल लिया आपसे और 30 दुकानदार नहीं लिया,
फिर विजिट कीजिएगा आप 3-4 दिन के बाद में, देखिएगा 15 दुकानदार माल लिया। इस तरह करके आपको क्या कहता है, 20 दुकानदार को माल देना है। 20 दुकानदार को माल देने के बाद में क्या है, आपको आइडिया मिल जाएगा। तो इसमें क्या है, मिनिमम हर दुकानदार का जो एसेसरीज है पर डे 2000, 3000, 4000, 5000 का सेल होता है। तो अगर आपका एक दुकान में 1000 या 2000 का ही माल आपने सेल किया, अगर 20 दुकान में आप गए तो 30,000 रुपये का आपका सेल हुआ। तो 30,000 रुपये का सेल अगर आपका हुआ तो उसका 10% आपको बचत होगा, वो होता है 3000 रुपया। 3000 रुपये में आपका बाइक का जो खर्चा है और तेल का खर्चा और अदर खर्चा 300 रुपया धर लीजिए, बाकी आपका 2700 रुपया आपका जो है वो मार्जिन बचेगा। 2700 रुपया अगर आपने और ज़्यादा दुकान को विजिट किया तो और ज़्यादा आपको मार्जिन मिलेगा। अगर आप उससे कम दुकान किए हैं, अगर मान लीजिए 15 दुकान ही विजिट करते हैं तो आपको 1000 करते ही आपका अगर सेल होता एक काउंटर में तो आपको 15,000 हुआ। 15,000 का 10% कितना हुआ, 1500 रुपया। तो ये मार्जिन आपको, लेकिन क्या है, आपको पेशेंस रखना है। और अगर आप अपने सिटी में जैसे स्टेट में अगर माल नहीं खरीदें, अगर आप अपने डिस्ट्रिक्ट में भी होलसेल दुकान आपको हर जगह मिल जाएगा तो आप डिस्ट्रिक्ट में भी माल ले करके और आप सप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपके पास एक बाइक का बहुत ज़रूरी है, या आपके पास कोई स्कूटर है तो वो भी ज़रूरी है। कारण कि आप जब भी कहीं बाहर काउंटर आप विजिट करने जाएंगे, अपने मोबाइल एसेसरीज का माल सप्लाई करने जाएंगे, तो आपको एक गाड़ी बहुत मस्ट है। या तो आप बाइक ले लीजिए या स्कूटर ले लीजिए, अगर आपके पास में पहले से है तो काफ़ी अच्छा है। तो आप ये कम इन्वेस्ट में इस तरीके से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद जब आपके पास पूंजी बढ़ जाएगा और आइडिया भी बढ़ जाएगा तो आप कहीं भी दुकान ले करके अपना दुकान खोल सकते हैं, एसेसरीज का भी कर सकते हैं, और भी आप अगर मोबाइल का दुकान आपको करना है तो मोबाइल का भी दुकान कर सकते हैं। और जब आप स्टेट से माल लेंगे, अगर आपका सेल बढ़ जाएगा तो फिर आप इंडिया का टॉप दुकान भी जा सकते हैं। जैसे इसका सबसे बड़ा मंडी है दिल्ली करोलबाग, उसके बाद कलकत्ता में है खिदिरपुर फैंसी मार्केट, उसके बाद बेंगलोर में है, उसके बाद आपका चेन्नई में जो है वो मार्केट है, मुंबई में है मनीष मार्केट। ये सब जगह जो है, इस जगह से भी माल ले सकते हैं। इस जगह से आपको और 2-3 से 5% एक्स्ट्रा कम रेट में आपको माल मिल जाएगा। तो अगर आप 10% अपने स्टेट से कमा सकते हैं, तो अगर आप मेन मंडी में जाएंगे तो 15% आपका कमाई होगा। अगर आप और उससे ज़्यादा आपका काम बढ़ जाएगा तो चाइना का गुंजौ मार्केट है, चीन में गुंजौ मार्केट जो वर्ल्ड का सबसे नामी मार्केट है गुंजौ, तो वहाँ से भी आप एसेसरी मंगा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको बल्क सेल चाहिए और बड़ा ऑर्डर चाहिए। तो अगर आपका मार्केट बना हुआ रहेगा तो आप बाहर से माल भी मंगा सकते हैं, बेच सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास में कोई भी और भी आइडिया अगर लेना है और मोबाइल एसेसरी से जुड़ा हुआ, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाइएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को आंसर देने का जितना हो सके। तो दोस्तों, आप जो है वीडियो को शुरू से अंत तक देखने से आपको सारा चीज़ समझ में आएगा। कई लोग हैं वीडियो को क्या स्किप करके देखते हैं और उनको समझ में नहीं आता। तो दोस्तों, बस रखते हैं, फिर मिलेंगे नई मुद्दे और नई बात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।